हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आईटीआई एग्जाम के यूट्यूब लिए एक और नई अपडेट लेकर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज मैं आपके लिए एक और नई अपडेट लेकर आया हूँ। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है, आईटीआई जो आपके आईटीआईज हैं उनको एक नोटिस दिया गया है गवर्नमेंट की ओर से। वो किस लिए, वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड दिया गया है। मैं आपको दिखाऊंगा कंप्लीट, आपको जो नोटिस है वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि बिना प्रूफ के मैं कोई भी आपका वीडियो नहीं बनाता। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बिना प्रूफ के मैं यहाँ पर वीडियो नहीं बनाता हूँ। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर आईटीआई एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन तैयारी कराई जाती है। तो आपके जितने भी साथी और दोस्त हों आईटीआई एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उनको वीडियो जो है शेयर कर देना, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये नोटिस, इसमें क्या कहा गया है सभी आईटीआई को। ये ईमेल के जरिए जो है नोटिस दोस्तों दिया गया है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अब इस नोटिस में क्या क्या बात हुई है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, सब कुछ आपको पता लगने वाला है। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यूपी गवर्नमेंट ने भेजा है सभी आईटीआई को, जो उत्तर प्रदेश सभी आईटीआई उनको भेजा है। वो दोस्तों किस लिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इन्होंने भेजा है वो एग्ज़ाम को लेकर। दोस्तों जी हाँ, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो एग्ज़ाम दोस्तों होने वाले हैं सीबीटी, ठीक है। और ये भी कन्फर्म करूँगा, आप लोगों के मन में डाउट तो बन रहे होंगे कि जब हमारे दस सर भी एग्ज़ाम भी कन्फर्म नहीं हो पा रहे हैं, 4 तारीख बता तो रहे हैं लेकिन कन्फर्म तो नहीं है, जो आपका टाइम टेबल है वो अब तक नहीं आया। तो ये अगर क्या कन्फर्म डेट है, तो क्या इसका जो मैटर रहने वाला है, सब कुछ आपको वीडियो में पता लगने वाला है, ठीक है। पहले मैं आपको नोटिस दिखा रहा हूँ। उन्होंने कहा गया है जो इसको जो लेकर बात कही, अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा नवंबर दिसंबर में जो आयोजित होनी थी, ठीक है, वो अब कब है। उन्होंने वैसे तो आप जानते हो कि जनवरी में जो है आपके एग्ज़ाम होने ही होने हैं, ये तो कंफर्म है। अब इन्होंने क्या कहा गया है कि सीबीटी जो है एग्ज़ाम कराने की बात की, इन्होंने कही है कि जो आपके एग्ज़ाम वो सीबीटी कराए जाएंगे। अब किस लिए इन्होंने जो नोटिस भेजा है, इन्होंने कहा है सभी आईटीआई को, कृपया उपयुक्त विषय संदर्भ में आपको अवगत कराना है कि प्रशिक्षण महाविद्यालय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा नवंबर दिसंबर में आयोजित परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी माध्यम से कराया जाना आरंभ कर दिया गया है, यानी कि जो है आपकी परीक्षा ऑनलाइन होगी। अब मैं बताता हूँ इन्होंने और क्या बात कही गई है। सिंपल मैं से नोटिस का ज़्यादा तो मैं आपको डीपली नहीं बताने वाला, फिर भी मैं आपको इसमें बता रहा हूँ कि इन्होंने कहा गया है कि जितने भी आपके आईटीआई हैं, ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सीबीटी की इन्होंने बात करी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, तो ऑनलाइन जो है आपके पेपर होने हैं। तो कहीं आईटीआई में उन्होंने कहा है कि सभी आईटीआई जो है अपने कंप्यूटर का प्रबंध, मतलब जो है अपना आपके जो आईटीआई में कंप्यूटर का प्रबंध अच्छी तरह से कर ले। जैसे कि आप लोग पता है, उन्होंने कहा गया है कि डीजीटी नई दिल्ली भारत सरकार द्वारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए संलग्न प्रारूप सूची मांगी है, यानी कि उन्होंने जो है यूपी सरकार ने मांगा है उनसे कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे तो आप उसके लिए प्रॉपर तैयार हैं, आपके पास क्या वहाँ पर कंप्यूटर सभी प्रकार के, मतलब जो है तैयारी आपके वहाँ पर है। तो उसके रूप में उन्होंने क्या मांगी है, एक सूची मांगी है, आपके यहाँ उपलब्ध होना अनिवार्य है, यानी कि जैसे आप जिसका आपके यहाँ उपलब्ध होना अनिवार्य है, यदि नहीं है तो इसकी व्यवस्था किया जाना तत्काल सुनिश्चित करें। अगर आपके आईटीआई में कंप्यूटर नहीं होंगे तो उन्हीं के लिए जो है ये नोटिस दिया गया कि आप अपनी आईटीआई में जो है संस्थान में अपना, मतलब जो है सुनिश्चित कर ले, अपना जो है आप कंप्यूटर तैयार कर वहाँ पर लगवा लीजिए, ठीक है। तो इसी के रिगार्ड उन्होंने जो है नोटिस भेजा है। और मैं आपको बता दूं, हालांकि कुछ आईटीआई में जो है कंप्यूटर नहीं होंगे मैं जानता हूं, तो ये भी हो सकता है कि आपके जो टच में जो आपके आईटीआई के जो अलग ब्रांच होंगी या फिर उनकी टच में कोई आईटीआई होंगी तो वहां पर भी जो है एग्ज़ाम करा सकते हैं। ये भी तो हो सकता है ना कि दूसरी जो उनका टच होगा वहाँ पर ज़्यादा कंप्यूटर की व्यवस्था हो, तो आपके आईटीआई में ना हो तो वहाँ पर भी आपका जो है नज़दीकी कोई भी सेंटर वेंटर वो लगा सकते हैं आपकी आईटीआई। वो तो आपकी आईटीआई पर डिपेंड करेगा, लेकिन सेल्फ सेंटर तो गवर्नमेंट ने बता दिया है कि आपकी आईटीआई में जो है परीक्षा आयोजित होनी है, उसके बाद उसके जो मतलब वहाँ पर कैमरा वगैरह तो सब कुछ लगाए जाएंगी, तो उन्होंने ये बात इसमें कही गई है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 4 जनवरी जो है एग्ज़ाम की डेट आई थी, ठीक है, 4 जनवरी जो है एग्ज़ाम की डेट आई, टाइम टेबल आया था, लेकिन दोबारा जो है वो टाइम टेबल अभी तक नहीं आया। मैं हालांकि वीडियो बना भी चुका हूँ। अब कल यानी कि कल 27 तारीख में अमर उजाला जो न्यूज़ है उन्होंने भी 4 जनवरी ही उन्होंने बताया है आईटीआई की परीक्षा होनी है 4 जनवरी, उन्होंने तो कंफर्म कर रखा है। और 2 दिन पहले जो है मैंने आपको हिंदुस्तान न्यूज़ की 26 तारीख में हिंदुस्तान न्यूज़ ने भी डाला था, हिंदुस्तान न्यूज़ ने भी जो है 4 जनवरी को ही उन्होंने एग्ज़ाम की जो है तारीख सुनिश्चित की थी,
ठीक है, उन्होंने बताया था कि 4 जनवरी को जो है पेपर होने हैं। हालांकि मैं अमर उजाला के बारे में आपको नहीं बता पाया, लेकिन छोटी सी वीडियो बना दूंगा, इसके बाद आपको मिल जाएंगी, तो उसमें भी आपको दिखा दूंगा। उन्होंने भी जो है दोस्तों कुछ नियम शर्तें उन्होंने भी बताई हैं कि एग्ज़ाम में क्या क्या नियम और शर्तें होंगी। मैं आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगा थोड़ी सी, ताकि आपको पता लग पाए, एक अंदाज़ा मिल पाए कि क्या क्या वहाँ पर फैसिलिटीज़ जो है वहाँ पर मिलेगी और क्या क्या आपको तैयारी करके जानी है, सब कुछ उन्होंने भी बताया है अमर उजाला ने। ठीक है, इससे अगली वीडियो आपको मिल जाएगी। तो उन्होंने ये बताया कि 4 जनवरी को जो है आपके पेपर कराए जाने हैं, तो वो तो मतलब यार सुनिश्चित कर रहे हैं कि 4 जनवरी को पेपर होने वाले, लेकिन अब तक जो है DGT का कोई भी मतलब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ना तो टाइम टेबल आ रहा है और ना ही कोई ऑफिशियल नोटिस। ये नोटिस भी जो है ना दोस्तों, ये ईमेल के जरिए भेजा गया है सभी ITIs को, ठीक है, ना कि किसी वेबसाइट पर। ठीक है, तो जैसे ही कोई भी मतलब से रिलेटेड नोटिस आएगा एग्ज़ाम से रिलेटेड, जल्द से जल्द वैसे तो आना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान न्यूज़ ने भी कहा था कि 1 या 2 दिन में जो है टाइम टेबल अपलोड कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक तो मतलब नहीं हुआ, अब देखना है कि कब तक होगा। ठीक है, टेंशन मत लेना, ये तो कंफर्म हो चुका है कि आपका CBT एग्ज़ाम होगा, इस नोटिस में साफ साफ लिखा गया है। और हालांकि मैं आपको बता दूँ, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश वालों के लिए है, हालांकि अगर आप किसी अन्य स्टेट से हो तो वहाँ पर भी आप कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे कंफर्म क्या कि CBT तो आपका होना ही होना है, और मैं आपको अगली वीडियो में दिखाई दूंगा क्या क्या आपको तैयार करना है, क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी और किस टाइप से जो है आपका वहाँ पर व्यवस्था की जाएंगी, सब कुछ आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ, अब मिलते हैं अगली वीडियो को। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए है, कोई सी अन्य स्टेट का मेरे पास अब कोई नोटिस नहीं है, सिर्फ उत्तर प्रदेश वालों के लिए था। ठीक है, तो चलिए अब मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।